अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही हूँ वो तो आपको दिख ही रहा होगा। तो अगर आप लड़के हैं, आप मेल हैं, तो काइंडली इस वीडियो को या तो क्लोज़ कर दें, और अगर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देखना चाहते हैं तो श्योर कंटिन्यू। अच्छा खैर, तो बात करते हैं इसमें ऑलवेज़ जो कि हम सब लड़कियों को पता ही है, हम सब यूज़ करते हैं सैनिटरी पैड्स में। इन्होंने नई कलेक्शन अपनी जो लॉन्च की थी आज से तो कुछ अर्से पहले, ऑलमोस्ट 5-6 महीने पहले यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल हुआ है ये, और बाहर तो काफ़ी अर्से थी। तो इसमें ये है कि डायमंड ऑलवेज अल्ट्रा थिन ये वाले पैड्स जो हैं, इनका रिव्यू मैंने सोचा कि दूँ, क्योंकि ये चीज़ है जो हमारे माशरे में कोई भी इस बारे में बात करना पसंद नहीं करता, और लड़कियों को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। पहले तो मैं इसकी प्राइस बता दूँ, ये आपको ऑलमोस्ट 160 से लेकर आपको 200 के बीच में ये आराम से मिल जाएंगे। डिफरेंट प्राइजेज होती हैं हर स्टोर की, मैं हमेशा से बताती हूँ, मैं आपको अप्रॉक्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी थिकनेस की, तो इट्स नॉट थिक जो कि आपको अनकम्फर्टेबल नहीं फील कराता। और दूसरी चीज़ ये कि ये लॉन्ग है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल लीकेज का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। इसके विंग्स बहुत अच्छे हैं, स्टिकीनेस भी बहुत अच्छी है, और एब्जॉर्प्शन भी। ये जेल पैड है, और जेल पैड आपको पता है कभी भी आपको 6 से 8 आवर्स के बाद चेंज करने चाहिए, ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए। तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। जिनको हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है या जिनको रैशेज हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको रैशेज नहीं देता और आपके पीरियड्स के हैवी फ्लो को भी कंट्रोल करता है और लीकेज भी नहीं होती। तो इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कर देखें। बाकी अगले रिव्यू में मिलूंगी मैं आपके साथ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको रिव्यू चाहिए हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।